जी अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शब्बीर बाबा जी और फिर तो हाजिर हाँ। कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होंगी है, कोई ना कोई गल चल रही होंगी है, तो उस सिलसिले दे विच मैं हाजिर होया कि कल तो एक इशू जिहड़ा बड़ा सीरियसली चल रहा है कि भी पाकिस्तान दे विच जिहड़े गाइड बोर्ड सन ननकाना साहिब नूं जाते हुए, क्योंकि सब तो पहले उहदी पोस्ट मैं ही पाई सी कि वो तुहानू दिखाया सी कि भी पाकिस्तान दे विच गुरमुखी दे विच लिखे हुए बोर्ड्स जिहड़े ने वो संगतां दी आउण दे उत्ते ताकि उहनां नूं प्रॉब्लम ना होए किन्ने किलोमीटर रह गया ननकाना साहिब, ते वो गाइड बोर्ड जिहड़े सी वो GT रोड ते लगे हुए सन। हुण पाकिस्तान दी मोटरवे जिहड़ी है लाहौर तो मुल्तान जांदी है उहदे उत्ते भी एक यानी कि बोर्ड लाया गया, लेकिन जिहड़ी NHA यानी कि नैशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ है उन्हां दे विचों उन्हां कोलों थोड़ी जी मिसटेक हो गई है प्रिंटिंग दे दौरान। प्रिंटिंग दे दौरान उन्हां कोलों मिसटेक की हुई है, तुहानूं पता ही है अजकल दौर हैगा बस कह लो कि भी सोशल मीडिया दा इंटरनेट दा, ते उन्हां ने मदद मेरा ख्याल है जिहड़ी जिथे तक मेरा ख्याल है जिथे तक महेंद्रपाल सिंह जिहड़े साढ़े MNA ने उन्हां ने भी ये गल क्लीयर की है कि उन्होंने किसी ना संपर्क नहीं किया किसी ना राबता नहीं किया पंजाबी संगत नाल करदे ते ये प्रॉब्लम ना पेश ना आती इन्हों नूं। सो ये कह देना कि भी पाकिस्तान दे जिहड़े बोर्ड सन उन्हों तो वो गुरमुखी मिठा के ते हिंदी दे विच कर दिते गए, इदां दी कोई गल नहीं हैगी, ना ही इदां दा कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी का कोई प्रेशर है। जिदा कि बहुत ज़्यादा सारे कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा सारिया गल्लां जिहड़ियां ने ग्रुप्स दे विच हो रही ने साडे ग्रुप तो बाहर हो रही ने और कहा जा रहा है कि भी पाकिस्तान सरकार जिहड़ी है उन्हां दे उत्ते प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट का, सो करके वो जिहड़े ने वो चेंज कर रहे ने इन्हां बोर्ड्स नूं। इस इदां दी कोई गल नहीं हैगी, वो एक बोर्ड सिर्फ मिसटेकली नवां लगा है थोड़े दिन पहले उन्हां नूं पता नहीं लगा और वो हिंदी ट्रांसलेशन दे विच लिखा गया है कि गाइड बोर्ड जिहड़ा वा वो ननकाना साहब नूं जाते हुए जिहड़ा वो मिसटेकली प्रिंट होया है। वो ए नहीं हैगा कि किसी ने कोई जान बुझ के किया, लेकिन वो एन अदर बोर्ड है जिहड़े मैं तुहानूं बोर्ड दिखाए सीगे वो उसे तरह दे उसे तरह ही ने। अगर वो कोई गया होवे फैसलाबाद नूं जांदा होवे या ननकाना साहिब नूं जांदा तां रस्ते दे विच वो बहुत वड्डा और बहुत उच्चा बोर्ड लगा है वो स्टिल उत्थे दे उत्थे ने। ये नवा बोर्ड है, ये थोड़ा जिहा बस गलती हो गई है कि बस उन्होंने किसी नाल राबता नहीं किया और जिहड़े साढ़े पार्लीमेनी सैकटरी ने MP महेंद्रपाल सिंह जिहड़े कि मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा भी ने और ह्यूमन राइट्स दे विच उन्हां दी जिहड़ी कह लो मिनिस्ट्री जिहड़ी उन्हां दी ह्यूमन राइट्स दे विच आउंदी है। सो ये कह देना कि भी पाकिस्तान इदां कर रहा उदां कर रहा प्लीज़ थोड़ा जिहा देख लिया करो, जे अगर पाकिस्तान ने इदां ही करना हुंदा तां करतारपुर कोरीडोर ठीक है जी, गुरद्वारा श्री चवा साहब गुरद्वारा श्री छेवीं पातशाही गुजरांवाला भाई के मट्टो आ देखो तुहाडे ते तुहाडे वास्ते उत्ते थल्ले खुशखबरियां आ रहियां ने, उत्ते थल्ले खुशखबरियां। सो प्लीज़ किसी भी गल नूं सुनो, जरूर ध्यान जरूर दियो, लेकिन उन्हों इदा शेयर ना कर दो ब्लाइंडली। जिदा तुसी पहले भी कोई भी मामला हुंदा कोई भी मुद्दा हुंदा पहले तुसी राबता करते हो राबता करके पूछ लेंदे हो कि भी ये इदा हैगा कि नहीं हैगा, तो ऐतकी किसी ने भी नहीं पूछया ऐतकी किसी ने भी नहीं दसिया और चुप करके शेयर करी जा रहे हो आपस च लड़ी जान रहे हो। मैनू तो अज शाम नू मैनशन किया गया कि बाबा जी तुसी दसो, मैं किदां दसा जी, मैनू किसी ने पूछया ही नहीं पहले, हुण मैनू पूछया वा, मैं आ गया लाइव, मैं तुहानूं दस रहा वा, इहदे विच कोई हकीकत नहीं हैगी, ये सरासर वरगलाया जा रहा वा। तुहानूं पता ही है हमेशा ही जदों किसी पासों चंगा काम हो रहा हुंदा तां कोशिश हुंदी है कि उस नूं खराब किया जाए गलत किया जाए, लेकिन वो जिहड़े लोग गलत कर रहे हैं वो भी तुहाडे विचों ही ने ठीक है। एक दो नूं तां अज मैं प्यारा ननकाणा च भी मना किया वा ग्रुप दे विच कि प्लीज़ शरंगेज और झूठियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो मत पाया करो ताकि लोग बदजन होंगे है, इदा की वैसे कोई गल नहीं हैगी। सो मैं मैसेज में इतें ही वाइंड अप करता वा कि जोड़ा वो बोर्ड है वो मिसटेकली हिंदी च प्रिंट होया वे, किसी ने जान बुझ के उन्होंने प्रिंट नहीं किया इस वास्ते कि जिस तरह कि महेंद्रपाल सिंह ने कहा है कि MPA साहब ने कि भी मैं मेरी डायरेक्टर साहब ना गल हो गई है हाईवेज अथॉरिटीज के नाल, वो जल्द इनू ला के चेंज कर देंगे, जो चेंज हो जाएगा ना तो फिर मैं देखांगा कि भाई महेंद्रपाल सिंह जी की आवाज़ और मेरी आवाज़ जिहड़ी है फिर वो तुसी किन्नी क चखदे हो दोबारा ठीक है कि नहीं। इस वास्ते गलत मैसेज नूं जिहड़ा ना वो गलत ही रहन देईदा हुंदा उहनूं फैलाईदा नहीं हुंदा। एक बहुत ज़्यादा मैनूं दुख है तुहाडे सारे वीरां दे उत्ते
ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਭਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜੀ ਬਸ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PSPGC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਸਟਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ETBBG ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਝੂਠ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।